Hello students, how are you? Hope you all are fine. As you watch my previous video, you well understand the summary of a house, a home. Now we deeply understand word meanings. Yard, a measuring unit. 1 yard is equals to 3 feet or 36 inches. Garden or corridor outside the home. बेटा सुनो, यार्ड क्या होता है? यार्ड मतलब आंगन, जो ओपन एरिया होता है उसको कहा जाता है। अब ये घर के आगे भी होता है और घर के पीछे भी होता है। ईव्स, द पार्ट ऑफ द रूफ दैट हैंग्स आउट ओवर द वॉल्स टू प्रोवाइड शेड एलिवेशन ऑफ द रूफ। ईव्स क्या होती है? छत की मुंडेर। क्या होती है? छत की मुंडेर। स्टूको, फाइन प्लास्टर यूज्ड फॉर वॉल सरफेस और फाइन प्लास्टर। स्टूको मतलब फाइन प्लास्टर, जो दीवारों पर, वॉल्स पर या रूफ पर उसको प्लेन करने के लिए किया जाता है। चिमनीज, अ पाइप विच टेक्स स्मोक और कंबशन गैसेस अप फ्रॉम द फायर। चिमनीज क्या होती है? हमारे घर में लगी होती है, हम घर में खाना बनाते हैं और इस जो हम किचन में खाना बनाते हैं वो इसके थ्रू आउट क्या होता है? बाहर निकलता है। अनसेल्फिश, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। काइंडली, लविंगली, मतलब प्यार से। नाउ वी स्टार्ट वर्किंग विद द पोम, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज? क्या आप एग्री हो जो पोएट ने कहा? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट, अ हाउस इज मेड ऑफ, हाउस किससे मिलकर बनता है? ब्रिक, सीमेंट, स्टोन, हार्डवुड, विंडो, ग्लास एंड यार। हाउस किससे मिलकर बनता है? ईंटों से, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी, विंडो ग्लास एंड यार्ड। इट हैज, अब इसमें क्या क्या होता है? ईव्स, चिमनीज, टाइल फ्लोर्स, स्टूको, रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर। अ होम इज मेड बाय, होम किससे मिलकर बनता है? फैमिली मेंबर से। किससे मिलकर बनता है? फैमिली मेंबर से। अब होम के अंदर क्या क्या होता है? अनसेल्फिश एक्ट, मतलब बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, सब लोग एक दूसरे से क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, केयर करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनसेल्फिश एक्ट, शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर द लव्ड वंस। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, नाउ कंप्लीट दी सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। A house is, house कैसा है? Very big, बहुत बड़ा। My house has bedrooms, bathrooms, kitchen, prayer room and dining room. I love my house very much. It means मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर में bedroom है, bathroom है, kitchen है, prayer room है and dining room है और मैं मेरे घर से बहुत प्यार करता हूँ। The best thing about my home is, मेरे घर की सबसे best thing क्या है? Home offers security, मेरे घर में security है and feel attraction for human life के लिए attraction है and it is one of the most important thing, यही मेरे घर की सबसे important और अच्छी बात है। Now we understand the summary, a house, a home. The poem, a house, a home, written by Lauren M. Haley. In this poem, the poet has explained the difference between a house, a home. ये poem किसने लिखी है? Poet कौन है? Lauren M. Haley. और poet इस poem में क्या बताने वाले हैं? Difference between किसके बीच? House और home के. The poet says that a house is made of, house किससे मिलकर बना है? Bricks, stone and hardwood. It also has, अब इसमें क्या क्या होता है? Fine pans, chimneys, window glass, doors, corridors, roof and tile floors. है ना, ये काय में होता है? हमारे हाउस में। अब हम देखेंगे होम। अ होम इज अनादर नेम फॉर लविंग फैमिली। होम को अनादर नेम, दूसरा नाम क्या दिया गया है? लविंग फैमिली, क्योंकि होम में कौन रहते हैं? फैमिली मेंबर्स रहते हैं। कैसे रहते हैं? एक दूसरे से प्यार करते हैं। हु टेक केयर ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। एंड वर्क सेल्फलेसली फॉर वन अनादर, और बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के क्या करते हैं? मदद करते हैं। ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर टुगेदर मेक अ होम। ब्रदर मतलब भाई, बहन, मम्मी, पापा, इन सब से मिलकर क्या बनता है? घर बनता है।
इट इज देयर अनसेल्फिश एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसमें किसी बिना किसी लालच के एंड शेयरिंग टूवर्ड्स वन अनादर, और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, सारे दुख सुख खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। दैट मेक्स अ हाउस, जो एक मकान को क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, दैट मेक्स अ हाउस अ होम। होप यू वेल अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।